ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरभो निरवैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हमें रोग मानक को दीना काम रोग में गल बस कीना दृष्ट रोग पचमुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी जो जो दिसे सो सो रोगी जो भी दिखाई दे रहे है रोग दिखाई दे रहे है रोग दे ही दर्शन होंदे ने चल दे फिर दे मनुखां दे दर्शन नहीं रोग दे दर्शन ने रोगियां दे दर्शन ने एक एक मनुख एक ऐसी तख्ती है जिस देते हजारां रोग लिखे हुए ने पढ़न दी समर्था होवे मनुख खुद पढ़ सकदा है वरना ये तख्ती खुद भी बोलन लग पैंदी है और खुद भी बयान करन लग रूहे जमीन ते एक जो अपने नू खुद पढ़ के सुनांदी है मैं दुखी हां ए रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हर रोगां दी पंड है दुखां दी पंड है सिर्फ खोलन दी देर है जरा जिया खोलिए सवाए दुखां दे होर कुछ निकलदा ही नहीं दुख की पंडा खुलिया सुख ना निकस्यो कोय। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हर मनुख दुखां दी पंड है जरा खोलिए रंचक मात्र भी सुख लभदा नहीं दुख है दुख है। इसी तरीके दे नाल महान दार्शनिक संत जो 2500 साल पहला है भारत दी भूमि विच होया वैसे थे नाम सिद्धार्थ सी लेकिन बाद विच गौतम बुद्ध का कहलाया उत्तम बुद्ध वाला उत्तम सोचने वाला। दुनिया विच कुछ महापुरुष ऐसे होंदे ने ओ पिटी हुई लकीर दे हिस्से नहीं होंदे उन्हां दे चलदियां ही लकीरां बनदियां ने। पिटी हुई लकीर तो मुराद अज तक जिना जिना रस्तियां तो जो सत पुरुष सत तक पहुंचे ने उन्हां रस्तियां दा जो अनुगमन करे उन्हां ते ही चलण दी कोशिश करे उसकी अपनी मेहनत कुछ नहीं सिर्फ पिछे ही चले है। लेकिन दो महापुरुष जगत विच ऐसे हुए ने एक महात्मा बुद्ध एक गुरु नानक ये खुद चलते ने इन्हां दी जीवन चेतना खुद रस्ता लभदी है और इन्हां दे चलण दे नाल रस्ता बनया एक रस्ते दा नाम बोध धर्म पै गया एक रस्ते दा नाम सिख धर्म पै गया। ये दोवें पिटी पिटाई लकीरां ते नहीं चले दोहां ने बुलंद वांग एक गल कही है जन्म दुख है
जीवन दुख है, मरण दुख है। अगर जन्म दुख है, मरण दुख है, तो जन्म ते मरण दे विचकार जो हो सकता है वो सुख किस तरह हो सकता है। जैसे कणक दे बीज तो कणक पैदा होती है, चनिया दे बीज तो चने ही पैदा होते ने। अगर जन्म दुख है तो इस दुख दे सारा जीवन दुखी होवेगा और कुछ नहीं। और अंतिम एक बहुत वड्डी दुख दी मोर लगेगी, वो है मरण। धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी का प्रमाण, हे प्रभु जन्म मरण निवार, प्रभु जन्म मरण निवार, हार परयो द्वार। कई दफा दार्शनिक चिंतक हैरान ने गुरमत नु समझण वाले महात्मा बुद्ध नु पढ़ने वाले, इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, और इतने रोग ने, इतने रोग ने, मनुख जी किस तरह लेंदा है, किवें जी लेंदा है। एको ही जवाब है, आसा करके जी लेंदा है कि शायद कल ना होवे तो शायद जी लेंदा है। आज दुख है, शायद कल ना होवे। गुरबाणी कहिंदी है आज दुख है, कल भी दुख, परसों भी दुख है, अंतिम समय तक दुख है, लेकिन मनुख जी लेंदा है सुख दी आसा विच, दुख विच जी लेंदा है सिर्फ सुख दी आसा विच। जीवदा ते दुखी है, आसा सिर्फ सुख दी होंदी है। इस वास्ते गुरबाणी का यह महावाक है, धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह महावाक, आसा मनसा बंधने भाई करम धर्म बंधकारी। आसा तो एक बहुत वड्डा बंधन है, जिवाई जाएगी दुख देच, जिवाई जाएगी, इस तो फिर छुटकारा होना ही कठिन है। और आसा करके जेडे धार्मिक कर्म कीते वो भी बंधन बनन गए, शायद ए सुख देन ए सुख देन, पर कौन दसे आसा ही दुख है, कि आसा करके जो कुछ कीता उस दिन किस तरह सुख होवेगा, किवें सुख मिल सकता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, आसा विच अत दुख गाणा मनमुख चित लाया। जिसने अपने मन नु सामने रखे, अपनी सोच नु सामने रखे, सारा जीवन आसा विच बतीत करता है, पर सारा जीवन फिर दुख विच बतीत करता है, क्योंकि सुख दी ते सिर्फ आसा है, कोल ते उसदे दुख है। एक विद्वान दा ऐसा कहना है कि एक रिष्ट पुष्ट शरीर गालबन 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है, उदे शरीर दे अंदर इतनी चर्बी है, उदे शरीर दे अंदर रिजर्व भोजन इतना पिया है कि इनू 40 दिन जिंदा रख सकता है। एक मनुख दरम्यानी शरीरक श्रृंखला रखण वाला 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है, गालबन 3 दिन पानी तो बिना भी जी सकता है। प्राणायाम दी साधना करने वाले कहंदे ने 8 मिनट श्वासां तो बिना भी जी सकता है। श्वास बड़े कीमती, पानी बड़ा कीमती, रोटी बड़ी कीमती, पर रोटी दा 40 दिन त्याग कीता जा सकता है, पानी दा 3 दिन त्याग कीता जा सकता है, श्वासां दा भी 8 मिनट त्याग कीता जा सकता है। तो एक गल स्पष्ट हो गई कि मनुख 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है, 3 दिन पानी तो बिना जी सकता है, 8 मिनट श्वासां तो बिना भी जी सकता है, लेकिन आसा तो बिना तो 1 सेकंड भी नहीं जी सकता। प्राणायाम दी साधना भी आसा करवाएगी, सब कुछ आसा दे बंधन, दुखां दे बंधन बन जाते ने। क्यों?
अगर ये आस ही छड़ दई है ही नहीं सुख, है ही नहीं सुख। शायद कोई नवी दुनिया उदे द्वार खुलन, शायद कोई ऐसा जगत होवे जिथे सुख होवे। पर जैसा जीवन है, जैसा जगत है, जैसी जीवन शैली है, इदे सुख दी आसा नूं संजो के रखना, इते हथकड़ियां नूं कंगन समझना, इते बेड़ियां नूं झांझर समझना, इते जेल नूं अपना घर समझना। और आलम ऐसा कहंदे ने, लंबी कैद दी सजा भोगण वाले उम्र कैदी कई दफा वाकई जेल दी तंग तारीख कोठणियां नूं अपना घर ही समझ लैंदे, बेड़ियां ते हथकड़ियां नूं भूषण समझ लैंदे ने। अगर बेड़ियां ते भूषण, हथकड़ियां भूषण दिखाई दे रही हैं, गहने दिखाई दे रही हैं, तो इन्हां बेड़ियां नूं तोड़ना औखा है। बेड़ियां तोड़ियां जा सकदे अगर बेड़ियां बेड़ियां दिखाई दे, हथकड़ी कट्ठी जा सकदी अगर हथकड़ी हथकड़ी दिखाई दे। पर जे हथकड़ी कंगन दिखाई दे रही है, जेल दी तंग तारीख कोठड़ी अपना घर दिखाई दे रहा है, तो कौन आजाद कराएगा? आजादी की तमन्ना भी किस तरह पैदा होगी? मनुख के अंदर जिहड़ी धर्म की प्यास नहीं पैदा हो रही, धर्म की तमन्ना नहीं पैदा हो रही, अधर्म ही घर बन गया, हुण धर्म की तमन्ना कित्थे? औगण ही भूषण बन गए तो हुण गुणा की लोड़ कित्थे रह गई? अंधेरे का जीवन हो गया, हुण रोशनी नूं की करना? मनुखी जगत की ये सब तो वड्डी बदकिस्मती है। पशुआं दा विकास प्राकृतिक रूप विच हो रहा है। पत्थर हजारां साल दी यात्रा तो बाद खाक बन जांदे ने, खाक हजारां साल दी यात्रा तो बाद बनस्पति बन जांदी है, और बनस्पति हजारां साल दी यात्रा तो बाद कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बन जाती है, और पशु पक्षी हजारां साल दी यात्रा तो बाद एक दिन मनुख बन जाते हैं। यात्रा बड़ी लंबी है, मनुख भी रस्ते विच है, पशु भी रस्ते विच ने, बनस्पति भी रस्ते विच है, पत्थर भी रस्ते विच ने। कई जन्म सैलगिर करया, जैसे राजपथ ते असी चल रही होवे, शाहराह ते जा रहे होवे, कोई साथों अग्गे है, कोई पिछे है, कोई बहुत पिछे है, कोई बहुत अग्गे है। इसी तरह कह सकदे हां पत्थर ते सब तो पिछे है। पशु दे भी वैसे अखरी अर्थ ने जो पास दे च है, पिछे है। मनुख पशुआं नूं ते पिछे छोड़ आया है, पर परमात्मा होना अजे बाकी है। छोड़ आया है पशुआं नूं पिछे, लेकिन पिछे दी खिच बड़ी है, पिछे दी तलब बड़ी है। पिछला जीवन अचेत जीवन सी, ते अचेत जीवन विच दुख नहीं सी। जैसे बेहोश मनुख दर्द ते पीड़ा तो बालातर हो जाता है, पीड़ा ते चल रही है, वेदना ते चल रही है, पर पीड़ा महसूस हो सके वो महसूस करन दा मादा ही सुत्ता होया है। जो पीड़ा नू महसूस ही नहीं कर सकदा, तो फिर पीड़ा तो छुटकारे दा साधन जुटाना ते बहुत कठिन है, कठिन है। कदी कदी मनुख थोड़ा सुचेत होंदा है, पीड़ा महसूस होंदी है, मनुख फिर अचेत होंदा है, अफीम खाके, गांजा खाके, सुल्फा पी के, शराब पी के, भंग पी के, या इंज कह लो सियाणा मनुख जो थोड़ा सुचेत हो गया है, या ते फिर बिल्कुल इस जीवन तो छाल मार के अगे लंघ जाए,
यह थोड़ा जिया जो सुचेत होया अचेत होवे इस पर बिना जी नहीं सकेगा, नहीं जी सकेगा, या फिर अचेत होवे, या तो फिर नशा करके अचेत हो जाए जैसे पशु अचेत है, वो दुख नहीं महसूस करता। पशु ते परिवारक जिम्मेवारी भी नहीं है, क्यों? परिवार की समझ ही कोई नहीं, भैन सामने खड़ी है पशु नु कोई समझ नहीं, भरा सामने खड़ा है पशु नु कोई समझ नहीं, नानके दादके सौरे सारे संबंध मौजूद ने समझ नहीं, तो परिवारक जिम्मेवारी दा बोझ पशु चुकते नहीं क्योंकि समझ नहीं, समाजक जिम्मेवारी दा बोझ पशु चुकते नहीं क्योंकि समझ नहीं, राजनैतिक जिम्मेवारी दा बोझ पशु चुकते नहीं क्योंकि समझ नहीं, ते धार्मिक जिम्मेवारी नू पशु निभांदे नहीं क्योंकि समझ नहीं। इस वास्ते पशु सुखी है। कई दफा मनुख अचेत इस वास्ते होना चाहता है, मैं भूल जावा समाजिक जिम्मेवारियां नू, मैं भूल जावा धार्मिक जिम्मेवारियां नू, मैं भूल जावा राजनैतिक जिम्मेवारियां नू, मैं फिर पशु हो जावा, मैं फिर पशु हो जावा। सुख या ते अचेत होण दे छे या परम सुचेत पूर्ण सुचेत होण दे छे, अर्ध चेतन दे छे नहीं है, अर्ध चेतन दे छे नहीं है, अर्ध चेतन ते अधरंग है, एक लत कम कर दिए दूसरी नहीं, एक बां कम कर दिए दूसरी नहीं। दुख दा ते बोध हो गया, इस तो छुटकारा किवें होवे इस दा बोध कोई नहीं, इस दा पता नहीं, इनू कहने अर्ध चेतन। पूर्ण चेतन, जगत दुख है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, इसका बोध है और इसका भी बोध है, ये पूर्ण चेतन। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक फिलोसफर महान स्याणे ज्ञाता छोटी दे साइंटिस्ट ये सारे दे सारे अर्ध चेतन ने, पूर्ण चेतन नहीं है, अर्ध चेतन। यही कारण है कि इन्हां दी जिंदगी भी दुख विच बतीत होंदी है, परेशानियां विच बतीत होंदी है। हैरान है कि कवियां विचों सिरमौर कवि, चाहे हिंदी दे ने, पंजाबी दे ने, उर्दू दे ने या इंग्लिश दे ने, किसी भी भाषा दे चिंतक कवि, दार्शनिक कवि ये कोई समाधि लीन नहीं मिलणगे, शराब खाने च मिलणगे, पब विच बैठे मिलणगे, झूमदे मिलणगे, डगमगांदे मिलणगे, इन्हां दी कविता पढ़ के जिंदगी नू संभलण दी प्रेरणा मिलदी है, पर जिन्हां दी कविता जिंदगी दे संभलण दी प्रेरणा दे रही है खुद डगमगा के गिरे हुए ने, गिरे हुए ने, गिरे हुए ने, क्यों? अर्ध चेतन ने, या ते पूरा अचेत है पशु सुखी होवेगा, या पूर्ण सुचेत है ब्रह्म ज्ञानी संत आनंदित होवेगा, अर्ध चेतन ते दुखी होवेगा। अर्ध चेतन नु जिम्मेवारी निभानी पैंदी है समाज दी, अर्ध चेतन नु जिम्मेवारी निभानी पैंदी है परिवारक राजनैतिक, अर्ध चेतन दे सामने धार्मिक जिम्मेवारियां भी ने। जद ये सब कुछ बोझ दी तरह महसूस करता है तो फिर पशु हो जाना चाहता है, फिर पशु हो जाना चाहता है। भावें प्रकृति ने इसनु मनुष्य बनाया कि फिर पशु हो जाना चाहता है, कारण सुख या पशु होण दे चाहे, आनंद या परम सुचेत होण दे चाहे, मनुख ते दुखी रहेगा, मनुख अर्ध चेतन है। ये मनुख चाहे दार्शनिक है, चाहे फिलोसफर है, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे चोटी दा हुक्मरान है, चोटी दा सैण है, चाहे प्रजा दे चो है, चाहे हुक्मराना दे चो है, सब दुखी है, सब दुखी है, सब दुखी है। फर्क सिर्फ इतना है कुछ कबूल कर लेंदे ने, कुछ कबूल नहीं कर देने। मेरे देखे महान स्याणे कबूल कर लेंदे ने,
महामूरख कबूल नहीं कर दे, कबूल नहीं कर दे, और फिर जीवन दुख विच बतीत होता है। जद मैं बेड़िया नू बेड़िया ही नहीं मनदा, जद मैं जेल नू जेल ही नहीं मनदा, जद मैं हथकड़िया नू हथकड़िया ही नहीं मनदा, तो इन्हां नू तोड़ के आजाद होण दा फिर ते ख्याल भी नहीं पैदा हो सकता, फिर ते यतन ते कोशिश भी नहीं हो सकती। तो मनुखता ऐसा यतन कर रही होवे दिखाई नहीं दे रही। जगत ते दुख है। बाबा फरीद कहंदे ने, आम लोकां दी तरह मैनू भी एक भुलेखा सी, मैं दुखियां बाकी ते मौजां ही करदे पैने, क्योंकि जिस कोल हाल पुछदे आ की हाल चाल है, मौजां चा बड़े आनंदित। हुण फरीद जैसा पुरुष गलत बयानी ते कर नहीं सकदा। तो फरीद कहिंदा, फिर मैं इह धारणा बनाई, सिर्फ दुखी ते मैं हां, बाकी ते सब मौजां करदे पैने, क्योंकि जिस कोल पुछदे आ मौज दे चा आनंद दे चा। पर ए भ्रांति अज मिट गई। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, उच्चे चढ़ के देखया ता घर घर एहा अग। मैं निमाण विच खड़ा सी, लोकां दे घर नहीं दिखाई देंदे सन। दरअसल उच्चे चढ़े बिना लोकां नू समझना औखा है। जितने चिर तक कोई मनुख मनुखता तो उच्चा ना उठे, ते मनुखता तो भी कोई उच्चे हैं, देवते उच्चे ने, संत उच्चे। जब कोई समझ नू उच्चा करदा है, मनुख दी समझ तो उच्चा करदा अपने आप नू, फिर उच्चे चढ़ के देखया ता घर घर एहा अग। जैसे उच्ची इमारत ते खड़े हो जाइए ते सारा शहर दिखाई देंदा है। किस किस घर विच धुआं निकल रहा है, यह भी दिखाई देंदा है। सारे घरां विच धुआं निकल रहा होवे, यह भी दिखाई देंदा है। बाबा फरीद कहंदे ने, ज्यो मैं उच्चा चढ़िया हर घर विच भांबड़ बलदे हुए दिखाई देते हैं। हर मनुख दुखां दी भट्ठी विच जल रहा है, सड़ रहा है, पीड़ित है। यह पीड़ा राज सता नाल भी नहीं मिटनी। अगर मिट जांदी तो सिंघासन छोड़न दी लोड़ नहीं सी गौतम बुद्ध नूं, भरतरी नूं, गोपी चंद नूं। यह पीड़ा परिवारक संबंधां नाल भी नहीं मिटेगी, वरना सारे ग्रस्ती सुखी होने चाहिए सन, होने चाहिए सन। यह गल वखरी है कि परिवार के सारे संबंध मनुख ने इसे ही कल्पना करके जोड़े ने कि सुखां दे संबंध ने, और यह हकीकत है मनुख नूं पुत्र दी लोड़ नहीं, बिल्कुल लोड़ नहीं है, सुख दी लोड़ है। उसे पुत्र तो पीड़ा मिलन लग पवे, दुख मिलन लग पवे, संबंध दुश्मनी विच बदल जांदे, रिश्तें दराड़ पै जांदी है। मनुख नूं भिरा नहीं चाहिदा, सुख चाहिदा है। अगर भिरा तो दुख मिल रहा है तो भाईचारा खत्म हो गया, सामने ते दुश्मन खड़ा है। मनुख नूं मां बाप भी नहीं चाहिदा, सुख चाहिदा है। मां तो पीड़ा मिल रही है, पिता तो दुख मिल रहा है। संबंधां विच विछिन्न होंदे जद कोई मां पुत्र दे समाजिक जीवन विच बहुत मदाखलत करन लग पवे, और ये मदाखलत जद उस नूं दीवार दी तरह खड़कदी है, तो पुत्र भी समझ लैंदा है कि मां मेरे लिए बाधा है, ये ना होवे तो ठीक है, एक पासे हो जाए तो ठीक है। और इसे तरीके नाल मनुख नूं पिता नहीं चाहिदा, सुख चाहिदा है। मनुख नूं मित्र नहीं चाहिदा, सुख चाहिदा है। मनुख नूं पत्नी भी नहीं चाहिदी, सुख चाहिदा है। यूरोप देश गालबन 45% शादियां तलाक हो जांदियां, और अमेरिका दे कैलिफोर्निया सूबे विच 83% शादियां तलाक हो जांदियां, टुट जांदियां इक सूबा। कारण मनुख नूं पति नहीं चाहिदा, पत्नी नहीं चाहिदी, हकीकत है। चाहे कोई कितना आखे मैनूं पत्नी नाल बहुत प्यार है,
पति नाल बड़ी गहरी सांझ है। मनुख नूं पत्नी नहीं चाहीदी, सुख चाहीदा। मनुख नूं पति नहीं चाहीदा, सुख चाहीदा। पत्नी तो दुख मिल रहा है, पति तो कलेश मिल रहा है। रिश्तियां दे दराड़ पैंदे ते तलाक तक नौबत पहुंचदियां देर नहीं लगेगी। मनुख नूं धन भी नहीं चाहीदा, सुख चाहीदा। किसे डाकू ने सीने दे आके पिस्टल रखे है और आखे जेब दे जितना धन है दे, अगला कहिंदा ऐ लै छड़ मैनू। मनुख नूं धन भी नहीं चाहीदा, सुख चाहीदा। मनुख नूं जीवन नहीं चाहीदा, जिंदगी नहीं चाहीदी, सुख चाहीदा। जिस दिन पता चल जाए जिंदगी ही पीड़ा है, जिंदगी ही दुख है, तो खुदकशी करदियां भी देर नहीं लगती, आत्महत्या करदियां भी देर नहीं लगती, जिंदगी नूं छोड़दियां भी देर नहीं लगती। मिलणगे इस तरह दे दुनिया दे बंदे, किसी ने मां बाप नूं छोड़िया, किसी ने भरा नूं छोड़िया, किसी ने मित्रां नूं छोड़िया, किसी ने पुत्रां नूं छोड़िया, किसी ने पत्नी नूं छोड़िया, किसी ने पति नूं छोड़िया, किसी ने धन संपदा नूं छोड़िया, पर किसी ने तो अपनी जिंदगी नूं ही छोड़ दिता है, ओदा ही त्याग कर दिता है। नहीं चाहीदी है जिंदगी। प्राणा दे प्यास ते है सुख दी, तलाश ते है सुख दी, पर झोली दे सिवाय दुखां तोर है कुछ नहीं। कहिंदे तलाश ही लाजमी नहीं, तलाश सही थां ते कीती जाए ए भी बड़ी लाजमी है। जैसे कोई रेत नूं कोलू दे च पा के तेल कढ़न दी कोशिश करे, चाहिदा ते तेल है, पर रेत नूं पीण नाल तेल नहीं मिलदे, तिलां नूं पीण नाल तेल मिलदे। तलाश ते ठीक है, चाहत ते ठीक है, पर चाहत दा ठीक होना ही काफी नहीं। चाहत दी जिथों सही ढंग नाल पूर्ति हो सकती है, इसका बोध होना भी बड़ा लाजमी है, बहुत लाजमी है। इस वास्ते कहिंदे ने इक्को ही दुख है अज्ञान, इक्को ही पीड़ा है अज्ञान, इक्को ही अवगुण है अज्ञान, इक्को ही पाप है अज्ञान, और इक्को ही जिंदगी दी मुसीबत है अज्ञान, इक्को ही मूर्खता है अज्ञान, और इक्को ही आनंद है ज्ञान। ज्ञान ही भगवान है, वेद ही भगवान है। भारत दे ऋषि बहुत प्राचीन समय तो कह रहे ने ज्ञान ही भगवान है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। ज्ञान परमात्मा है, ज्ञान गुरु है, ज्ञान भगवान है, तो फिर अज्ञान शैतान है। अज्ञान दिच जीना शैतानियत दे जीना है, ज्ञान दिच जीना भगवान दे जीना है। शैतानियत दुख है, शैतानियत पीड़ा है, शैतानियत कलेश है। इसनों मिटाए बिना जीवन दा सुखी होना, आनंदित होना कठिन है, कठिन है।